नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होता है, उनको सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के तहत 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। दोस्तों, इस पेंशन में बीपीएल राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होती है। दोस्तों, इसमें बीपीएल या आईपीएल राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होती है। किसी भी प्रकार के राशन कार्ड पर यह पेंशन चालू हो जाती है। दोस्तों, इस पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज हम देख लेते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, दोस्तों ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आधार कार्ड की छायाप्रति, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक, जो कि स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। दोस्तों, स्पर्श पोर्टल पर दिव्यांग सर्टिफिकेट सत्यापित करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी है, spersh.mp.gov.in। और दोस्तों, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर यूअर सेल्फ निःशक्त जन पोर्टल पर पंजीयन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, यहाँ से समग्र आईडी डालकर ऑनलाइन पंजीयन आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्पर्श पोर्टल पर पंजीयन करने के पश्चात आप किस प्रकार से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। निःशक्त पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आपको वेबसाइट ओपन करनी है socialsecurity.mp.gov.in। यहाँ पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना ये ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको जिला सिलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ से आपको स्थानीय निकाय सिलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक आवेदन ऑनलाइन करके बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली समग्र सदस्य आई डी डालेंगे और पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे मेंबर की सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पे निःशक्त जन का यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाएगा। अब दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक खाते की जानकारी एंट्री करनी है। उसके बाद दोस्तों, खाता नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे रेडियो बटन दिखेगा, सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना निःशक्त जन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, जो JPG, PNG, GIF या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 125 KB तक। मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको पहचान पत्र अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पात्रता पर्ची, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ और यहाँ से चूज साइज पर क्लिक करके यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा निःशक्त जन का, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आवेदन दर्ज करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वार्निंग आ रही है, मैं उपरोक्त पेंशन योजना के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करता करती हूँ एवं आवेदन के सत्यापन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे आवेदन की प्रक्रिया जारी रखें और ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया है, धन्यवाद, आपका आवेदन दर्ज हो गया है, इसे संबंधित जनपद नगरीय निकाय के पास भेजा जाएगा, वे आपसे संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई कर पेंशन स्वीकृति करेंगे। दोस्तों, हमारा पेंशन का आवेदन ऑनलाइन हो गया है। और दोस्तों, पेंशन के जो भी दस्तावेज थे, वो दस्तावेज आपको ग्राम पंचायत नगरीय निकाय में जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी पेंशन स्वीकृति हो जाएगी। दोस्तों, इससे आगे की प्रोसेस ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के ऑफिशियल यूज़र के लिए है, वो वहाँ से पेंशन को ऑनलाइन अप्रूव करेंगे और आदेश जारी करेंगे। दोस्तों, आइए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रोसेस की जाएगी इससे आगे की। socialsecurity.mp.gov.in वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत के ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, ये प्रोसेस ग्राम पंचायत के अधिकृत कर्मचारी ही कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के सामने एक लिखा हुआ आ रहा है,
यानी कि यहाँ पे पेंशन का आवेदन ऑनलाइन हो गया है। अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है और यहाँ से गांव सिलेक्ट करना है और आवेदन देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो आवेदन हमने किया था यहाँ पे आ रहा है। सिंपली कार्रवाई करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो भी हमने आवेदन किया था सिंपली यहाँ पे आ गया है। अब इसको स्वीकृत करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली आपको एक बार फिर से इसको पूरा जांच लेना है, खाता नंबर वगैरह, और डीमार्क में सिंपली आपको ओके लिख देना है और स्वीकृत करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है, उक्त हितग्राही के पेंशन विवरण एवं संबंधित डॉक्यूमेंट आदि का सत्यापन किया जा चुका है एवं हितग्राही उपरोक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, अतः सेक्शन की प्रक्रिया जारी रखें और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गए हैं, सफलता संदेश, आपके द्वारा चुने गए हितग्राही को पेंशन में जोड़ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जो हमने आवेदन किया था उसका पेंशन स्वीकृति आदेश जारी हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद ग्राम पंचायत की ऑफिशियल आईडी और नगरीय निकाय से वो इस प्रकार से वेरीफाई कर दिया जाएगा और पेंशन स्वीकृति आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।